नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हम सभी को छठ पर्व का इंतजार है। छठ पूजा का महापर्व उत्तर भारत और खास तौर पर बिहार, यूपी और झारखंड में बहुत ज्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत नहाए खाए से होती है। इसके अगले दिन खरना होता है। तीसरे दिन छठ पर्व का प्रसाद तैयार किया जाता है और स्नान कर डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व के चौथे दिन और आखिरी दिन उगते सूर्य की आराधना की जाती है। इस तरह चार दिवस से छठ पर्व पूर्ण होता है। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं छठ पूजा पर क्यों की जाती है सूर्य की आराधना। छठ पूजा में सूर्य की आराधना का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी माता को सूर्य देवता की बहन माना जाता है। छठ पर्व में सूर्य की उपासना करने से छठ माता प्रसन्न होती हैं और घर में सुख शांति प्रदान करती हैं। छठ पर्व कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं छठ पूजा व्रत विधि। भगवान सूर्य देव को संपूर्ण रूप से समर्पित ये त्योहार पूरी स्वच्छता के साथ मनाया जाता है। इस व्रत को पुरुष और स्त्री दोनों ही समान रूप से धारण करते हैं। ये पावन पर्व पूरे चार दिनों तक चलता है। व्रत के पहले दिन यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को नहाए खाए होता है, जिसमें सारे व्रती आत्म शुद्धि के हेतु केवल शुद्ध आहार का ही सेवन करते हैं। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन खरना रखा जाता है, जिसमें शरीर की शुद्धिकरण के बाद पूजा करके संध्या काल में ही गुड़ की खीर और पूरी बनाकर छठी माता को भोग लगाया जाता है। इस खीर को प्रसाद के तौर पर सबसे पहले व्रतियों को खिलाया जाता है और फिर ब्राह्मणों और परिवार के लोगों में बांटा जाता है। कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन घर में पवित्रता के साथ कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे कि ठेकुआ, पूड़ी, चावल के लड्डू तथा फल रखे जाते हैं। और सूर्यास्त होते ही सारे पकवानों को बड़े बड़े बांस के डालों में भरकर निकट घाट पर ले जाया जाता है। नदियों में गन्ने का घर बनाकर उन पर दीप भी जलाए जाते हैं। व्रत करने वाले सारे स्त्री और पुरुष जल में स्नान कर इन डालों को अपने हाथों में उठाकर छठी माता और भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। सूर्यास्त के पश्चात अपने अपने घर वापस आकर सह परिवार रात भर सूर्य देवता का जागरण करते हैं। इस जागरण में छठ के गीतों का अपना एक अलग ही महत्व है। कार्तिक शुक्ल सप्तमी को सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सायकाल डालों में पकवान, नारियल और फलदान रख नदी के तट पर सारे व्रती जमा होते हैं। इस दिन व्रत करने वाले स्त्रियों और पुरुषों को उगते हुए सूर्य को अर्घ देना होता है। इसके बाद छठ व्रत की कथा सुनी जाती है और कथा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है। इस तरह हमारे देश में छठ पर्व मनाया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलूंगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।